प्रोग्राम आवाज दर्स के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद अहल के पास तशरीफ ले गए। वो उस वक्त तकलीफ में थे और उनको बुखार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या ये जान तोड़ बुखार है? एक खातून ने जवाब दिया, जी हाँ ये जान तोड़ बुखार है। तो उस खातून ने बुखार पर अल्लाह की लानत की। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बुखार पर लानत न करो, ये बनी आदम के गुनाह धो देता है या खत्म कर देता है, जैसा कि आग की भट्टी लोहे के जंग को खत्म कर देती। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी बीमारी के जमाने में आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त शदीद बुखार था। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपको बुखार की वजह से शदीद तकलीफ है? मैंने अर्ज किया, फिर तो आपको दोहरा अजर और सवाब मिलेगा। तो इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्कुल दो गुना अजर और सवाब मिलेगा। जब कभी किसी मुसलमान को अजियत और तकलीफ पहुंचती है तो उसके गुनाह को अल्लाह सुब्हानहु तआला इस तरह मिटा देता है जैसे सर्दी के मौसम में दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरीज की इयादत को तशरीफ ले गए और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उनके साथ थे। जबकि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुखार की शदीद तकलीफ थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानहु ताला फरमाता है, ये बुखार मेरी आग है, मैं दुनिया में अपने जिस मोमिन बंदे पर चाहता हूँ इसको मुसल्लत करता हूँ ताकि आखिरत की आग का बदल हो जाए। तो मालूम हुआ कि बुखार को कितना ही जान तोड़ हो, खून पानी एक करने वाला हो, उस पर लानत नहीं करना चाहिए कि बुखार के जरिए बंदे को गुनाह और रूहानी गंदगी से तहारत और नफासत मिलती। जिस्म के अंग अंग रगो रेशे से गुनाह की नहुसत और नजासत की तदखीर हो जाती। हजरत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बंदा जब बीमार पड़ जाता है तो अल्लाह सुब्हानहु ताला उसके पास दो फरिश्ते भेजते हैं और उनको हिदायत होती है कि तुम दोनों देखते रहो कि ये मरीज इयादत करने वालों को क्या जवाब देता है। जब उसके पास इयादत करने वाले आते हैं तो मरीज अल्लाह सुब्हानहु ताला की हमदो सना करता है तो उसकी हमदो सना अल्लाह सुब्हानहु ताला की बारगाह में पेश की जाती है, जबकि अल्लाह सुब्हानहु ताला को सब कुछ मालूम है। तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे का मेरे जिम्मे हक है कि अगर मैं इसको वफात दूं तो जन्नत में दाखिल करूंगा और अगर मैं इसे शिफा दे दूं तो मैं इसके गोश्त को पहले के गोश्त से बेहतर अदा करूंगा और पहले के खून से अच्छा और नजीब खून बदल दूंगा और इसके गुनाह का कफारा बना दूंगा। इस हदीस से मालूम हुआ कि बीमारी के बाद जिस्म का गोश्त और खून भी सबका गुनाह की आमेजिश की जुल्मत से पाक और साफ हो जाता है और तबीयत में जो इबादत और इताअत से दूरी होती है अल्लाह सुब्हानहु ताला बीमारी के बाद उसको मिटा देता है और गुनाह का बीमारी कफारा बन जाती है। इसके अलावा ये नेमत मरीज को अल्लाह ताला की हमदो सना पर मिलती है, इसलिए बीमारी की हालत में गिला शिकवा करने से बचना चाहिए और याद रखना चाहिए कि मोमिन के लिए बीमारी भी अल्लाह सुब्हानहु ताला की तरफ से रहमत है। अल्लाह सुब्हानहु ताला आफियत और सेहत अता फरमाए और मर्ज की सूरत में शाकिरीन के जुमले में रखे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे तो एक शख्स को पिस्सू ने काट लिया तो उस शख्स ने पिस्सू पर लानत भेजी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस पर लानत ना भेजो कि इसने एक नबी को सुबह की नमाज के लिए बेदार किया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि हम लोग एक मकाम पर ठहरे तो हम लोगों को पिस्सू ने अजियत पहुंचाई तो हमने पिस्सू को बुरा भला कहा। यह सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको गालियां ना दो क्योंकि इसने तुमको अल्लाह ताला के जिक्र के लिए जगा दिया। सामीन, आदतन
इंसान को जब तकलीफ और अजियत पहुंचती तो फौरन उसकी निगाह जिससे तकलीफ पहुंची है उसकी खामियों पर जाती और फिर इंसान उसको कोसना और बुरा भला कहना शुरू कर देता है। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रुश्द और हिदायत की जानिब लगाया कि खामियों को ना देखो बल्कि खूबियों पर नजर रखो, कि पिस्सू को बुरा ना कहो, किसने एक नबी को नमाज के लिए जगाया यानी अपने सुम से काट कर नींद से बेदार किया, जिस्मानी अजियत को न देखो रूहानी कुर्ब इलाही के लिए उसके अमल को देखो कि काट कर बेदार किया और तुमको अल्लाह सुब्हान तआला के हक में हाजिर कर दिया, लिहाजा उसको बुरा ना कहो। इंसान को चाहिए कि अजियत और तकलीफ के मौके पर भी निगाह खैर और खूबियों पर रखे। यही क्या कम है कि अजियत से गुनाह मिटता है और नफ्स कुचलता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मुर्ग ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आवाज निकाली तो एक साहब ने उसको बुरा कहा तो इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्ग को गाली देने से मना किया और तिबरानी में है कि मुर्ग पर लानत न करो और ना इसे गाली दो, इसलिए कि वो लोगों को नमाज के लिए बुलाता है, नमाज की दावत देता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मुर्ग ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आवाज निकाली तो वहीं एक आदमी उस पर बोल उठा, ऐ अल्लाह इस पर लानत भेज। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुबान को रोको, खामोश रहो, हरगिज़ नहीं, वो लोगों को नमाज के लिए बुलाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के ये सब दलाइल और शवाहिद हैं कि उम्मत को आगाह किया जा रहा है कि इबादत और अतात रब्बानी में नमाज अहम तरीन कुर्ब रबानी का फरीदा है, कि मुर्ख भी मिन जानक अल्लाह सुब्हान तआला इस दावत में शरीक है और मखलूक को खालिक की तरफ बुला रहा है, लिहाजा दाईए इल्लल्लाह को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। इससे वाजे हो गया कि मुर्ख ने अजान दी और एक साहब ने उस पर लानत भेजी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन तंबीह फरमाई कि इस पर लानत न भेजो कि वो लोगों को नमाज की दावत देता है और खैर व भलाई का जरिया है कि अल्लाह की इबादत और अतात की तरफ लोगों को बुलाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुर्ख की आवाज सुनो तो अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल करो कि मुर्ख फरिश्ते को देखता है, और जब गधे की आवाज सुनो तो अल्लाह ताला की शैतान से पनाह चाहो कि वो शैतान को देखता है। मुर्ख फरिश्ते को देखकर आवाज निकालता है, लिहाजा अल्लाह ताला से फजल मांगो, और जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह चाहो। इसी तरह जब तुम कुत्ते के रोने या भौंकने की आवाज सुनो या रात के वक्त गधे की आवाज सुनो तो अल्लाह ताला की अमान और पनाह चाहो शैतान से कि वो उसको यानी शैतान को देखता है जिसको तुम नहीं देख सकते, लिहाजा रात के वक्त जब लोगों की चलत फिरत कम हो जाए तो उस वक्त कम निकला करो, इसलिए कि अल्लाह ताला रात में अपनी मखलूक में से जिसको चाहता है मुंतशिर और फैला देता है। घर का दरवाजा बंद कर लिया करो और दरवाजा बंद करते वक्त अल्लाह का जिक्र कर लिया करो कि बंद दरवाजे को शैतान नहीं खोल सकता जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, और पानी के बर्तन का मुंह ढांक दिया करो और पानी पीने का बर्तन भी ढांक दिया करो और बर्तन को पलट कर रखा करो। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चंद हिदायत दी हैं। गधा या कुत्ता जब आवाज निकाले तो अल्लाह ताला की शैतान से पनाह मांगना चाहिए। रात में शयातीन का निकलना ज्यादा होता है, इसलिए बतौर खास इसका जिक्र किया गया, और शाम के वक्त जब बनी आदम की चलत फिरत कम हो जाती है उस वक्त घर से कम निकलना चाहिए कि वो शैतान के निकलने का वक्त होता है, और खासकर छोटे बच्चों को घरों में रखना चाहिए। जैसा कि हदीस में आ गया है कि गधा और कुत्ता शैतान को देखते हैं, शैतान को ना देखना ये बनी आदम की शराफत और करामत है, क्योंकि शैतान को देखने से बेशुमार ईमानी कैफियत और तमानियत में खलल और यकीन में शक व शुबा पैदा हो सकता था जिसका अल्लाह ताला ने गैबी इंतजाम कर दिया है कि हम इस मर्दूद शैतान को देखते ही नहीं। इस तरह हम बेशुमार शैतानी वसवसों और नफ्स की तुग्यानी से बच जाते हैं और फिर हम शैतान को देखते नहीं, देखता कुत्ता या गधा है,
और वो इब्न आदम को बाखबर कर देता है कि तुम्हारा नादीदा दुश्मन आ गया है, तुम अपने रब की अमान और पनाह चाहो। ये रब्बुल आलमीन की हम पर मेहरबानी है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैज रसानी है कि आगाह कर दिया और इलाज भी बतला दिया। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया को बुरा ना कहो और गाली ना दो कि वो मोमिन की बेहतरीन गुजरगाह है, कि इंसान अमाल सालिया के जरिए और खैर भलाई करके अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है और बदी और बुराई से दुनिया में बच बचा कर आखिरत के अजाब और शर से नजात पा जाता है। जब आदमी कहता है कि अल्लाह ताला की लानत हो दुनिया पर, तो दुनिया कहती है अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जिसने हमारे बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला की नाफरमानी की। ये बात याद रखिए कि दुनिया काबिले मजम्मत नहीं है, दुनिया दारे अमल और आखिरत की भलाई को हासिल करने की जगह है। अलबत्ता दुनियावी ऐशो इशरत के सामानों में फंस कर अल्लाह सुब्हाना ताला को और अपने अंजाम आखिरत को भूल जाना मायूब और काबिल मजम्मत है, वरना दुनिया तो रज़ा इलाही और कुर्बे रब्बानी के हुसूल की बेहतरीन गुजरगाह है। आदम अलैहि सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया की तबलीग रिसालत और नबूवत का मैदान है। इसी दुनिया में अंबिया की हिदायत पर अमल करने वाले सिद्दीकीन और शोदा और सालेहीन पैदा हुए, तो मालूम हुआ कि लानत रब्बुल इज्जत के नाफरमानों पर है और नाफरमानी खुद भी दलील है इस बात की कि वो रहमत से दूर है। इन कलमात के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी अब खत्म होता है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आइंदा मुलाकात तक के लिए महमूद अहमद को इजाजत दीजिए।